वाहिनी राम राम विलेज फूड लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, अच्छा लगेगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अब मैं चल रही हूँ केले के बगीचे में। देखिए दोस्तों, मैंने अपने हाथ से देखिए केला लगाया हुआ है, अभी देखिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, अभी पत्तियां निकल रही है। जब इसमें फल लग जाएगा तो अब दोस्तों आप लोग को दिखाएंगे। तो मैं चल रही हूँ दूसरे केले के पास। बहुत ये देखिए अच्छे से देखिए केला लगा हुआ है, जो देखिए नीचे होता है थोड़ा सा देखिए काट दिया जाता है, तो जो इसमें केला है काफी मोटाई से अच्छे से मोटा कर केला का फल तैयार हो जाता है। तो जो देखिए बड़ा साइज है, मैं वही को चाकू के सहारे काटेंगे। तो देखिए जितना मुझे जरूरत है उतना मैंने केला देखिए तैयार था ले लिया हुआ है। देखिए केला का पानी होता है, इसमें से बहुत कड़वा दाग लगता है कपड़ा में, थोड़ा देखिए हम बचा कर इसको लेके चलेंगे। देखिए धूल देंगे जो इसमें दूध निकल रहा है, अच्छे से नहीं निकलेगा, साफ हो गया है। चूल्हे में आग जला लेती हूँ। इसमें थोड़ा थोड़ा देखिए मट्टी तेल हमारे काम बंद हो गया है, थोड़ा सा नीरज के पापा लाए हैं मार्केट से। पानी देखिए रख दिया है चूल्हे में, पानी हमारा गर्म हो रहा है। मैं केला को उबालूंगी, तो सबसे पहले जिसका डंठल है इसके चाकू सहारे मैं काट लेती हूँ। तो दोनों साइड देखिए हल्का हल्का मैंने कटक लगा दिया हुआ है, अब इसको हम डाल देंगे उबलने के लिए। केला का ढक्कन लगा के अच्छे से उबाल लेती हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी केला का कोफ्ता। सबसे पहले चलूंगी इसका जो मसाला है मैं सिलबट्टे से तैयार करूंगी। मैं लहसुन का छिलका उतार लेती हूँ। केला देखिए मैंने चेक कर लेती हूँ, थोड़ा दूसरे साइड देखिए पलटेंगे, दोनों साइड अच्छे से पक जाएगा। कलर बिल्कुल देखिए चेंज होना स्टार्ट हो गया है, इसमें दोबारा ढक्कन लगाएंगे। उबल के देखिए अच्छे से फट गया है, अब हम उतारेंगे नीचे। तो एक थाली में इसको निकालेंगे ठंडा होने के लिए। केला हमारा ठंडा हो रहा है, मैं इसमें चावल डालूंगी। थोड़ा थोड़ा देखिए पानी डालती जाऊंगी और मसाला पीसती जाऊंगी। धुल लिया हुआ है, अब इसे हम डालेंगे उबलने के लिए। तो मसाला मैंने पीस के तैयार कर लिया हुआ है, कटोरी में उठाएंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। चावल हमारा उबलना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत ही बढ़िया देखिए मैंने उबाला हुआ है, जैसे छिलका है देखिए अच्छे से बाहर हो रहा है। तो ऐसे देखिए छिलका हम हटाते जाऊंगी और थाली में रखते जाऊंगी। केला मैंने उबाल लिया हुआ है, इसको हल्के हाथ से देखिए तोड़ लेती हूँ।
स्वाद अनुसार नमक, इसमें डालेंगे थोड़ा सा चना का बेसन। तो बेसन डालकर अच्छे से मिलाएंगे। मर्चा मैंने इसमें नहीं डालूंगी, मर्चा मैंने मसाला में पीस के तैयार किया हुआ है। चावल हमारा पक गया, उतारेंगे नीचे। ऐसे देखिए मैं गोला गोला बना लेती हूँ फ्राई करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया देखिए बन जा रहा है, दोनों हथेली के सहारे हल्का सा घुमाते हुए मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसको हम फ्राई करेंगे। दाल को देखिए मैंने एक मिनट इसको ऐसे रखेंगे, तो दोनों साइड देखिए घुमाते हुए पकाएंगे। तो बराबर से मैं डाल देती हूँ फ्राई होने के लिए। बहुत अच्छे देखिए फ्राई कर लिया हुआ है, अब एक बर्तन में निकालेंगे। बहुत ही धीमी धीमी आंच में पका रही हूँ, बहुत अच्छे से पक रहा है। तो ऐसे मैं छान छान देखिए लास्ट खाना मैं छान लेती हूँ। सरसों के तेल में देखिए तड़का लगाऊंगी। सरसों के तेल में देखिए जो रसेदार कोफ्ता बनाएंगे, कोफ्ता खाने में काफी टेस्टी होगा, तो मैंने सरसों का तेल यूज किया हुआ है। तड़का हमारा देखिए अच्छे से ब्राउन कलर का हो गया है। अब इसमें डालेंगे मसाला का पेस्ट। हमारे मसाले देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रहा है, तब इसमें डालेंगे थोड़ा सा टमाटर का पेस्ट। तो बराबर देखिए चलाते हुए पकाएंगे। मसाला बहुत ही बढ़िया पका रहे हो, बहुत अच्छे से खुशबू भी आ रहा है। अब मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, तो इसमें डालेंगे देखिए थोड़ा सा पानी, नमक। मैंने देखिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको छाना हुआ है, इसमें थोड़ा सा और नमक डालेंगे। देखिए मैंने जो रसा है मैंने पका लिया हुआ है, अब इसमें हम डाल देती हूँ कोफ्ता। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में, गुलाब जामुन जैसा। दोस्तों आज मैंने बनाया है केला का कोफ्ता, जो कि खाने में काफी टेस्टी लगता है। तो उसके साथ मैंने बनाया है चावल। अगर आज के हमारे दोस्तों वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के संग, तब तक क्लियर हमला।